वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं फिश खरीदने, वो भी डायरेक्ट बोट से। मीन्स समुंदर से डायरेक्ट बोट लेके आते हैं, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट फिश खरीदने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तो आपको इसमें फिश के रेट्स और कहाँ पे ये जगह है ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइज, हम लोग अभी पहुँच चुके हैं स्पॉट पे, और यहाँ पे अभी ज़्यादा तो नहीं, दो बोट्स दिख रही है मुझे, और जिस पे फिश जो है क्लीन करने का काम चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इन्हें कौन कौन सा फिश मिला है और हम यहाँ से क्या फिश ले सकते हैं। गाइस, यहाँ पे बहुत सारे फिशेज है, और चलिए अभी ऊपर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है, कौन कौन से फिश है। तो गाइस, और एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप कभी भी ऐसे फिशिंग बोट्स पे जा रहे तो आप अपना शूज़ निकाल के जाना, क्योंकि शूज़ पहन के वो अलाउड नहीं करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। सो अभी हम लोग ऊपर चलते हैं, मैंने अपने शूज़ निकाल लिए और अभी ऊपर चलते हैं, देखते हैं कौन से फिश है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें ये फिश जो है कितने में मिलेगा। ये डायरेक्टली अगर देते हैं, यहाँ से बेचते हैं यूजली, जाने मैंने सुना है जहाँ तक कि ये लोग बेचते हैं, यहाँ से आप लोग खरीद सकते हो, क्योंकि बाजू में जो है दिलवाले फिश मार्केट, आपने सुना होगा ये जगह जो है बेलापुर दिलवाले फिश मार्केट जो है उसके जस्ट पीछे ही है। ये देखिए एकदम फ्रेश बोमी है ये, अभी ये लोग अलग कर रहे हैं, अभी सिर्फ पानी से निकाला है, जस्ट अलग कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे फिशेस है गाइस, और ये लोग जो है देखिए प्रॉन्स है, ये अलग अलग प्रॉन्स है, प्रॉन्स तो अभी भी जिंदा है कुछ, बाकी सारी मछलियाँ जो एकदम फ्रेश मिलेंगे आपको, एक अलग अलग टाइप की मछलियाँ है जो। सो गाइज, हमें थोड़ा वेट करना होगा, जैसे ये लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि ये फिश जो है ये पूरा क्लीन करने के बाद, सेपरेट करने के बाद बाहर लेके आएंगे, बोट से उतारेंगे, उसके बाद बेचेंगे। तो गाइज, यहाँ पे पब्लिक जो है बहुत अच्छी है, ये लोग बहुत सपोर्टिव है, सब बताए हम लोग को डायरेक्टली ऐसा, बट कैमरा पे नहीं बताएं, बट डायरेक्टली बता रहे हैं कि आपको नीचे उतरने के बाद आपको सारे फिश कोई भी आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, वहाँ पे रेट्स भी बताएंगे। सो गाइज, अगर आप भी फिश के लिए क्रेजी हो तो इस जगह पे ज़रूर आना और ट्राई करना कि कैसा है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जगह आपको कैसा लगा।